जितनी भी होटल में दिखला रहा हूँ ना, जस्ट मंदिर के बगल में है। देखिए ये मंदिर है और ये सारी होटल है। बस मंदिर के लेफ्ट साइड आपको आना है और आपको ये होटल दिख जाएगा, अगर 5000 आपका बजट है तो। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से आपको भाई आ गया है एक खास होटल लेकर, कहाँ, केदारनाथ मंदिर के जस्ट बगल में। कुछ सेकंड के बगल में अगर आप होटल लेना चाहते हैं, स्टे करना चाहते हैं, तो जस्ट हमारे सामने देख सकते हैं न्यू हिमाचल हाउस। ये काफ़ी मुझे कम्फर्टेबल होटल दिख रहा है, काफ़ी साफ़ सुथरा अच्छा होटल दिख रहा है। और अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो मैं बता दूँ कि यहाँ का जो चार्ज है ओनली 5000 है सिंगल रूम का, जिसमें आप 2 से 3 आदमी अप्रोक्स से रह सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है कि 2 आदमी है, लेकिन फिर भी 2 से 3 आदमी आप आसानी से रह सकते हैं। भैया कोई दिक्कत रहने में? रूम वगैरह सब साफ था ना? तो भाई खाना उसी में इंक्लूड है या अलग से? अच्छा अच्छा, कितना लगा भैया आपका, कितना लगा आप, कितने आदमी थे, कितना लगा भैया? अच्छा भैया लोग 5 आदमी हैं, उनका बात नहीं हुआ है, लेकिन मैंने जो पूछा है तो उनका, उन्होंने बताया है कि 5000 रुपया लगता है मिनिमम एक रूम का। तो अगर आप 5000 के बजट में हैं तो आप यहाँ आ सकते हैं मंदिर के जस्ट बगल में। और 10000 वाला तो मैंने आपको दिखाया ही, तो एंड आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मैंने नंबर जूम कर दिया है, आप जूम करके जो नंबर वीडियो चला है उसका मैं ऐसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो। और तो मैं साथ ही साथ बता दूँ कि जस्ट मंदिर के बगल में है, ये जितनी भी होटल में दिखला रहा हूँ ना, जस्ट मंदिर के बगल में है। देखिए ये मंदिर है और ये सारी होटल है। बस मंदिर के लेफ्ट साइड आपको आना है और आपको ये होटल दिख जाएगा, अगर 5000 आपका बजट है तो। तो चलिए, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अभी मैं वो 10000 वाले का वीडियो बना दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं खास ब्लॉग में, कोई भी पूछना चाहें आप। बेड लगभग सबका ठीक ठाक रहता है, डबल बेड है, तोशक है, कंबल है, सब चीज़ सारे इंतजाम रहते हैं। मैंने रूम देखा है, रूम सब ठीक है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। चलिए फिर हाजिर होते हैं खास ब्लॉग के साथ, अपना ख्याल रखिए, टिल देन बाय।